ومنها ما قال بعض إن العام يخص بسببه وعندنا إنما يخص بسببه إذا لم يكن مستقلا بنفسه وقوله نعم أو بلا أو خرج مخرج الجزاء وقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد أو خرج مخرج الجواب فالمدعو إلى الغداء ويقول والله لا تغدى فأما إذا زاد على قدر الجواب فقال والله لا تغدى اليوم وهو موضع الخلاف فعندنا يسير مبتدا احترازا عن إلغاء الزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. गुफ्तगू चल रही है उन इस्तिदलालात के बारे में कि जो हमारे यहाँ फासिद हैं जी, उनमें से एक है कि वो आम जो किसी सबबे ख़ास के जवाब में वारिद हो, ख़ास महल पे वारिद हो, ख़ास मौके पे वारिद हो, वो अपने सबब के साथ ख़ास होगा या लफ्ज़ का जो उमूम है उसका एतबार करेंगे जी। बात पर तवज्जो दें, वो गुफ्तगू के अल्फाज का दूसरे अल्फाज में समझिए, अल्फाज को देखें तो उसमें उमूम है लेकिन जिस महल पे वारिद हुआ वो एक ख़ास सबब के साथ जुड़ा हुआ है, ख़ास महल पे वारिद हुआ है। सबब ये चाह रहा है कि इसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे है, सिर्फ अल्फाज को देखें सबब से कत नज़र तो उनके अंदर उमूम पाया जाता है जी। तो इस सूरत में हम उसको सबब के साथ ख़ास मानेंगे या उसके अंदर जो उमूम है उसका लिहाज करेंगे। वजह है आप जी। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला और इसी तरह दीगर बाज़ अइमा की राय ये है कि जब आम सबब ख़ास के साथ मुत्तसिल होकर वारिद हो, अब वो जो आम है इस ख़ास के साथ जुड़ा हुआ है, इसके अलावा किसी भी मकाम पे किसी भी महल पे इसका हुक्म इस आम से साबित नहीं होगा या किसी और नस से साबित होगा या इस पे कयास करेंगे, ठीक हो गया जी, या कोई और नस उसके बारे में आएगी या इस पर कयास करेंगे, ये जो गुफ्तगू है उसको शामिल नहीं होंगे। असल ये बात जहन में रखें, अहकाम तो वो भी साबित मानते हैं दीगर मकामात पे, आया वो नस से वहाँ पर मानते हैं या क्यास से मानते हैं, इख्तलाफ इसमें मैं आगे चल के मजीद गुजार करता हूँ। बात ही जरिए ये है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला और दीगर जैसे इमाम मुज़नी रहमतुल्लाह ताला और दीगर बाज़ अइमा की ये राय है कि जब आम किसी सबब ख़ास के साथ जुड़ के उसके जवाब में वारिद हो तो अब उसका ताल्लुक उसी सबब ख़ास के साथ है, ये जो आम है इसके अपने अल्फाज का उमूम मोतबर नहीं है। बात ही जन जी। लेकिन जमहूर आइम्मा की ये राय नहीं है, हनफियों की भी और दीगर जो आइम्मा की अक्सरियत उनकी ये राय नहीं है। उनके मज़हब की तफसील समझें, बिलखसूस हमारे हनफियों के मज़हब की तफसील समझें। सबसे पहली बात यह है कि आम जिस कलाम में वारिद हुआ वो कलाम मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल, तवज्जो रखना जी। अगर गैर मुस्तकिल है तो इस सूरत में वो अपने अपने सबब के साथ अपने सबब पर बंद है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। और अगर मुस्तकिल है तो फिर जजा के तौर पर आई है या जवाब के तौर पर आई है। अगर जजा के तौर पर आई हो तो अब भी अपनी शर्त के साथ ये उस पर ये बंद है और हर एक यानी उससे वो नहीं है, मुतजाविस नहीं है। और अगर जवाब के तौर पर आई हो तो कदरे जवाब से जायद है या जायद नहीं है, कदरे जवाब से जायद ना हो तो अब भी अपने मौरिद पे बंद है और कदरे जवाब से जायद हो अब हम कहते हैं अपने मौरिद पर बंद नहीं है। इन्नम अल-इबरत लिउमूम लफ्ज़ ला लिखुसूस सबब, तो जो है इन्नम अल-इबरत लिउमूम लफ्ज़ ला लिखुसूस सबब,
अब एतबार किसका होगा, लफ्ज के उमूम का होगा, सबब के खुसूस का नहीं होगा। इसमें इख्तिलाफ है जो चौथी सूरत हमने बनाई, यानी आपकी जो गुफ्तगू है वो इसको रोके चल गई। तो ये जो चौथी सूरत है इसमें इख्तिलाफ है कि जब आम बतौर जवाब वाकई हो और कदर जवाब पर जायद हो, कदर जवाब पर जायद हो, कदर जवाब से जायद हो, अब क्या है ये सबब के साथ सबब पर बंद नहीं है बल्कि इसमें उमूम लफ्ज का एतबार किया जाएगा। बात है इधर में फिर समझिए खुलासे गुफ्तगू, इख्तलाफ इसमें है जिन इस्तदलालात फासिदा, जो इस्तदलालात हमारे नज़दीक नज़दीक फासिद हैं उनमें से एक ये भी है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला और दीगर बाज़ अइमा जैसे उनकी पैरवी में इमाम मुज़नी रहमतुल्लाह ताला, उनका मौक़िफ़ ये है कि आम जब किसी सबब ख़ास के जवाब में वारद हो तो अपने मौरिद पर बंद होता है, अपने सबब के साथ ख़ास होता है, उससे मुतजाविज़ नहीं होता। इसमें इख्तलाफ है, वो कहते हैं अपने मौरिद पर बंद होता है, जुमूर अहमा कहते हैं ऐसा नहीं है। जुमूर अहमा और बिलखसूस हनफियों के यहाँ तफसील ये है कि देखा जाएगा कि जो आम है वो कलाम मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल है, कलाम मुस्तकिल में वारद है, कलाम गैर मुस्तकिल में वारद है। अगर कलाम गैर मुस्तकिल हो तो अब बिलाशुबा वो अपने मौरिद पर बंद होगा और अपने सबब के साथ मुख्तस होगा जी। और अगर वो अपने वो मुस्तकिल है तो फिर बतौर जजा वारद हुए, बतौर जवाब वारद हुए, बतौर जजा वारद हो तो अब भी अपने शर्त के साथ मुख्तस है, अपने मौरिद पर बंद है, उससे मुतजाविज ना होगा। और अगर बतौर जवाब वारद हुआ है तो फिर ये देखा जाएगा कि कदर जवाब से जायद है, कदर जवाब पर जायद नहीं है, कदर जवाब पर जायद ना हो तो अब भी अपने मौरिद पर बंद है। अब इन तीनों सूरत में इख्तलाफ नहीं है। और अगर कदर जवाब से जायद हो, कदर जवाब पर जायद हो तो इसमें इख्तलाफ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला और इमाम मुज़नी और दीगर बाज़ अइमा फरमाते हैं कि ये अपने मौरिद पर बंद होगा, हनफी कहते हैं कि ये अपने मौरिद पर बंद नहीं होगा। अब यहाँ पर सबब का खुलूस, सबब का खुसूस मलहूज़ नहीं होगा बल्कि लफ्ज़ का अमूम मलहूज़ होगा, वजह उसके आगे चल के हम बयान करते हैं। इतनी बात आप समझिए। अब आप इसकी मिसालें समझ लें। उसने आपसे कहा भाई कल तुम आए थे, आपने कहा हाँ, आपने क्या कहा हाँ, अब ये अकेला हाँ तो चलेगा ही नहीं, ठीक है भाई अकेला हाँ, भाई आपके हाँ क्या है, आप किस बात का जवाब दे रहे? कलामे गैर मुस्तकिल है, कलामे गैर मुस्तकिल है, ये अपने मौरिद पर बंद है, जो आपसे पूछा गई उसी का जवाब है जी। अब ये बात नहीं है कि अब उसने कहा खाना खाया था, वो कहा जब पहले इसने हाँ बोला लिहाजा हर जगह ये हाँ ही लगेगा, नहीं हर जगह हाँ नहीं लगेगा जी। बात आप समझे नहीं सी, ये कलामे गैर मुस्तकिल है। कलाम मुस्तकिल हो और बतौर जजा वारिद हो, ठीक है, कैसे, अगर आए तो उसे पैसे दे देना जी? जी, अगर आए तो उसे पैसे दे देना। अब पैसे दे देना ये मुस्तकिल कलाम है जी, उसे पैसे दे देना मुस्तकिल कलाम है, बात समझे, जहन में रखें। इसका मतलब है वो आए ना आए तो उसको पैसे दे दो जी, जी। ठीक है, वो आए या ना आए उसे पैसे दे दो। गौर करो कि ये बतौर जजा है और जो जजा है वो अपने मौरिद पे बंद है जी। वहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये इसने कह दिया उसे पैसे दे देना पूरा जुमला है और मुस्तकिल जुमला है और अपने जो सबब ख़ास है उससे ताल्लुक बनाए बगैर उसको बस पैसे दे दो आए या ना आए जी। तो जो है जी, तो ये भी अपने मौरिद पर बंद है। तीसरा ये कि वो बतौर जवाब, बतौर जजा ना हो बतौर जवाब हो लेकिन अपने मौरिद अपने जो जवाब है कदर जवाब से जायद ना हो। उसने कहा भाई आ मेरे साथ जो है आज तू नाश्ता मेरे साथ कर, उसने कहा नहीं नाश्ता नहीं कर रहा, ठीक है, उसने कहा नहीं मैं नाश्ता नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अब उसने क्या कहा, उसने कहा आज मेरे साथ तू नाश्ता कर, उसने कहा नहीं मैं नाश्ता नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अब इसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो ना बोलता जब भी गुफ्तगू पूरी होती जी, ठीक है जी। सारे अल्फाज जो है वो जवाब के तौर पर हैं और जवाब तो जो है
तो अब इनमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसको हटा दिया जाए जब भी कलाम पूरी हो जाए जो जो जायद हो बरकदर हाजत। उसने कहा आज तू मेरे साथ नाश्ता कर, उसने कहा नाश्ता नहीं कर रहा, नहीं नाश्ता नहीं कर रहा, समझे बात को। ये जवाब में है और कदर जवाब पर जायद नहीं है, कदर जवाब पर जायद नहीं है, तो ये भी अपने मौरिद पर बंद है। उसने कहा आ मेरे साथ नाश्ता कर, उसने कहा नहीं आज मैं नाश्ता नहीं कर रहा। अब आज को हटा दे, मैं नाश्ता नहीं कर रहा, ये बात पूरी थी ना, पूरी नहीं थी, तो अब उसने आज का जो इजाफा किया है कदर जवाब से जायद हुआ ना हुआ, ये आपने गौर करनी है कि जवाब कदर, ये जो गुफ्तगू है कदर जवाब पर जायद है जायद नहीं है। यहाँ पर आपकी अकल का अंदाज़ा होगा कि आप उसका अंदाज़ा दुरुस्त कर पा रहे हैं या गलती कर रहे हैं। अगर कदर जवाब पर जायद ना थी फिर तो अपने मौरिद पर बंद है, अगर कदर जवाब से जायद है। अब ये बात हो सकती थी नहीं मैं नाश्ता नहीं कर रहा, अब उसने आज का जो इजाफा किया या तो इस इजाफा को लघु करार दे, समझे बात को, या इसको लघु करार दे। अब अकलमंद की गुफ्तगू को जिस कदर हो सके उसको लघु होने से बचाना जरूरी है, लघु करार देंगे तो उसकी अकल पर एतराज बनेगा। दूसरी सूरत ये कि हम इसको इस सबब के साथ जोड़े बिना मुस्तकिल कलाम बनाए, भाई उसने उससे गोया कि किसी ने पूछा ही नहीं, ऐसे ही उसने कह दिया भाई आज मैं नाश्ता नहीं कर रहा, लिहाजा आज अगर उसने नाश्ता किया तो अगर यहाँ कसम के अल्फाज बोलता तो कसम फूट जाती। पिछली सूरतों में कसम के अल्फाज बोलता और इस सबब से हट कर जो ये काम करता तो कसम ना टूटती, यहाँ पर उसकी कसम टूट जाएगी, समझे बात को। ये मतलब है कि ये अपने सबब के साथ सबब पर बंद नहीं है, अपने मौरिद पर बंद नहीं है, सबब के साथ खास नहीं है, बात समझ रहे हो नहीं। उससे कहा किसी ने आज मेरे साथ नाश्ता कर, उसने कहा मैं नाश्ता नहीं कर रहा, अब अगर घर जाके कर ले तो दुरुस्त है, क्योंकि उसने ये थोड़े कहा था मैं कर ही नहीं रहा, उसने कहा था मैं तेरे साथ नहीं कर रहा। उसने कहा कि आज मेरे साथ नाश्ता कर, उसने कहा मैं आज नाश्ता नहीं कर रहा, मैं आज नाश्ता नहीं कर रहा, उसने कहा मैं आज नाश्ता नहीं कर रहा, तो ज़हन में रखना कदर जवाब से लफ्ज़ आज की वजह से जायद हो गया है, लफ्ज़ आज की वजह से जायद हो गया, लिहाजा घर जाके अगर नाश्ता करेगा तो या कहीं और जाके नाश्ता करेगा तो उसने कसम खाई हो तो कसम टूट जाएगी। मेरी बात आप समझिए, ये मसला है, ठीक है नहीं। उसमें से बात वो है उनके बाद हम खास होते हैं अपने सबक के साथ, हमारे यहाँ खास होता है, हम भी कहते हैं खास होता है, लेकिन कुल उसके चार मवाज़े बयान किए, तीन में खास है एक में खास नहीं है, माना करें हमारे यहाँ खास होता है अपने सबक के साथ, जबकि मुस्तकिल में नफ़्सी ना हो, जैसे उसको कहना नाम या बाला, उसने कहा तू कल नहीं आया था, उसने कहा क्यों नहीं, बाला, उसने कहा तू कल आया, तो उसने कहा हाँ। अब ये तो कलाम गैर मुस्तकिल है, हर जगह पर थोड़ी लगाई जाएगी, जो सवाल हुआ उसी के जवाब बनेगा, ठीक हो गया जी। या निकला जज़ा के महल पे, जैसे रावी का कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहब हुई तो आप अलैहि सल्लतु वसलाम ने सजदा किया, ये ना साजादा लिसाहवी, साजादा लिसाहवी, तो सजदा साहब किया। अब ये नहीं होगा बाहर नमाज में सजदा साहब आप करते फिर, अगर साहब होती है किसी से तो अब क्या करेगा, वो सजदा साहब करेगा वरना सजदा साहब नहीं करेगा, बात है। या निकले बतौर जवाब, जैसे वो शख्स जिसको बुलाया गया नाश्ते की तरफ, वो कहे अल्लाह की कसम मैं नाश्ता नहीं कर रहा। ये तीनों मकामात हैं जहाँ पर जो आम है वो अपने खास के साथ मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, उस पर बंद है, उससे मुतजाविज नहीं है, बात है ही जिन में। बर जब जायद हो कदर जवाब पर तो कहे अल्लाह की कसम ना नाश्ता करूँगा मैं आज, ये अल यौम का उसने इजाफा कर लिया और वो महल्ले खिलाफ है, हमारे यहाँ बनेगी नहीं कलाम, आप नहीं कलाम क्यों मान रहे हैं, उसने सवाल किया सीधा सीधा उसके जवाब में ये गुफ्तगू कर रहा है तो जो है जी। उसने कोई बात करी इससे, ये जवाब में गुफ्तगू कर रहा है, जब ये उसके जवाब में गुफ्तगू कर रहा है, साफ साफ ये गुफ्तगू उसके जवाब में है, जब ये गुफ्तगू उसके जवाब में है तो आप इसको जवाब में क्यों नहीं मान रहे जी।
उसके साथ उस अपने मौरिद पे बंद क्यों नहीं मान रहे, सवाल है नहीं जी। उसका जवाब ये दे रहे हैं कि अगर हम उसको मौरिद पे बंद मान लें, ये जो इजाफी लफ्ज उसने अदा किए हैं ये लग हो जाएंगे जी। ये लग हो जाएंगे। हम ये कहते हैं भाई बोला तो इसने उसके कहने पर है जी। लेकिन बात इसने मुस्तकिल करी है जी। उसके सवाल को हम बिल्कुल लग नहीं कह रहे, बेमाना नहीं कह रहे। जवाब तो उसने उसके कहने पर दिया, लेकिन सिर्फ उसके कहने का नहीं दिया जी। जवाब उसके कहने पर दिया, बात उसके कहने पर की जी। लेकिन सिर्फ उसके बारे में बात नहीं की, आगे मुस्तकिल इसने कलाम की भाई मैं ये काम कर ही नहीं रहा जी जी। तेरे साथ क्या करना है और घर जाके क्या खाना खाना है वगैरह वगैरह, मैं आज नाश्ता कर ही नहीं रहा सिरे से जी। बात आप समझ रहे हो नहीं। तो उसकी गुफ्तगू सुनकर इसने जवाब बात की है, लेकिन उसकी गुफ्तगू के साथ इसने अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल नहीं जोड़ा, बल्कि मुस्तकिल गुफ्तगू इसने अपनी नए सिरे से इसने गोया के की है जी जी। बात आप समझे जी, जी, जी। मैंने पहले आपको बताया था, अब नसूस जो वारिद हुई हैं मखसूस असबाब के जवाब में, तो अब इख्तलाफ हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला का क्या रहेगा? इख्तलाफ ये रहेगा कि उससे मिलते जुलते जुलते जो मकामात हैं, हम कहेंगे वहाँ हुक्म सीधा नस से साबित है, वो कहेंगे नस पर क्या से साबित है जी। देखा जाएगा कि अब उस हुक्म को वो कती कहते हैं जन्नी कहते हैं, हम कती कहेंगे वो जन्नी कहें जी। फर्क ये पड़े, हुक्म मानेंगे वो भी साबित मानेंगे, लेकिन वो क्या से साबित मानेंगे, हम नस से साबित जी। बात आप समझे नहीं वास्ते इतराज़ करने के ज़्यादत के इलगा से। ठीक है, आज काफ़ी।